लेकिन वो इल्ज़ाम जो लगाए हैं कि कारी रोशन जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए चंदा करके खाए हैं, वो सरासर जो भी लिखा है, ना अपना नाम लिखा है, ना पता लिखा है, ना फ़ोन लिखा है, वो सिर्फ जो आदमी काम करना चाहता है उसको भड़काने के लिए इल्ज़ाम लगाया गया है। और जिसके दम है माइके लाल में, वो आके सामने बैठ के बात कर ले, नहीं मोबाइल पे है, नहीं माँ बहन की गाली बकेंगे, और दम हो तो आज ही बैठ के बात कर लो, उल्टी सीधी चीज डालोगे टांग पकड़ के फाड़ देंगे। हम लोगों से कोई एक पैसा नहीं ले। हमारे कुछ बाहर के लोग हैं, वो बहकाना चाह रहे हैं पब्लिक को कि कारी रोशन साहब को बदनाम किया जाए, ताकि ये मस्जिद ना बना सकें, ताकि ये मदरसा ना बना सकें, ताकि ना स्कूल बना सकें। तो ये इनकी सबसे बड़ी दलील है कि अगर इनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो समझ लीजिए इन्होंने कोई अच्छा ही काम किया होगा। और अगर किसी को दलील देनी है कि कारी साहब ने गबन किया है तो वो सामने आके सबूत लाए। नहीं खर्च नहीं किया, नाला किसी का पैसे नहीं खाया है, नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आदाब नमस्कार, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं निमरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बसंत कुंज योजना के तहत बने प्रधानमंत्री आवास में, जो यहाँ पर अपार्टमेंट बने हुए हैं। हम यहाँ पर मुसाबाग में हैं। यहाँ पर अकबर नगर से हटाए गए लोग, जिनका घर अकबर नगर में तोड़ा गया था, वो लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। यहाँ पर उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे उनके अपनी मांग है। इस बीच, इन सब के बीच कारी रोशन साहब, जिनके ऊपर ये लगातार इल्ज़ाम लग रहा है कि वो राजनाथ सिंह से मिले, राजनाथ सिंह से मिलने के बाद उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया, इस तरीके के इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो अब अकबर नगर के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और जो पैसे चंदे के आ रहे थे वो पैसे कारी रोशन साहब अपने पास रख रहे हैं, ना कि उसको खर्च कर रहे हैं। इन सब के बीच हम बात करेंगे कारी रोशन साहब से, जानेंगे क्या कुछ इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं, कितनी इस बात में सच्चाई है, उनका इस मसले पर क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं। और हम बात करेंगे अकबर नगर के उन लोगों से जो अकबर नगर में रहते थे, वो कारी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, कारी साहब के ऊपर लग रहे इस इल्ज़ाम के बारे में वो क्या सोचते हैं। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी रोशन साहब, जो अकबर नगर में, अकबर नगर की मस्जिद में इमाम थे, और लगातार वो अकबर नगर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। कारी साहब, आपके बारे में ये बातें जो है चल रही, जब से आप अकबर नगर के लिए लड़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा लाइमलाइट में आ पाए हैं, मीडिया में आपका नाम हुआ है, उसके बाद से एक बात लगातार चल रही कि राजनाथ सिंह से आप मिले थे किसी दिन, उसके बाद से ही आप खामोश हो गए हैं। आपके ऊपर जो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड न्यूज़ें आ रही हैं, ये कि आप करोड़ों का गबन करके बैठ गए हैं, और इस तरीके के इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहे हैं। मैं आप तमाम ही लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी ये जो आवाम पब्लिक हमारी है, ये अकबर नगर की आवाम है पूरी टोटल। ये बसंतपुर योजना में यहां पे 16,000 आबादी को यहां पर विस्थापित किया गया है, और यहां सारे लोग हैं, और ये मेरे तमाम मदरसे के स्टाफ हैं। आप देख रहे हैं मौलाना सोहेल मिसबाई से लेकर कारी अफरोज आलम साहब और तमाम लोग जो है, ये सब हमारे स्टाफ हैं, और ये हमारे मदरसे के मदरसिन और कमेटी के लोग, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उस दिन जब हम लोग जो है राजनाथ सिंह के यहाँ गए थे, हमारे कई बार हसन भाई भी गए हुए हैं वहाँ पर, तो हसन वहाँ पर जब इलेक्शन का मामला चल रहा था कि हम लोग, और स्टे पे स्टे ले रहे थे, लेकिन बिल्कुल स्टे मिल नहीं रहा था, हम लोग दिल्ली गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ जाने के बाद सब लोगों ने यही कहा कि आप जो है राजनाथ साहब से जाकर गुहार लगाइए, कुछ मदद करिए, क्योंकि वहाँ के वो सांसद हैं, अगर वो चाहेंगे तो अकबर नगर बच जाएगा। तो हम लोगों ने जाकर वहाँ मिला सांसद जी, राजनाथ जी से हम लोगों ने गुजारिश किया और कहा कि आप हमारे अकबर नगर को बचा लीजिए। तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि ठीक है, हम बात करते हैं बाबा जी से, यानी मंत्री जी से, उसके बाद देखते हैं। बस इतना ही हुआ, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद आए दिन कभी भी, मतलब हमारे मदरसा, मस्जिद या पूरा मोहल्ला, उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट हमेशा गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, और हमारे यहाँ अकबर नगर में 3 कमेटी बनाई गई थी, मार्केट के लोग अलग थे, फेस वन में अलग 11-12 लोग थे, फेस टू में अलग 11-12। मेरा काम रहता था सिर्फ ऐलान डालना, मैं ऐलान डालता था ताकि वहाँ अकबर नगर की ये आवाम जो देख रहे हैं आप, ये सारे लोग हमारे ऐलान डालता था कि आप लोगों को जो है वहाँ रहना है, आप लोगों को जो हो सकता है चंदा देना है। मेरे पास तो चंदे का एक पैसा भी नहीं, समझ रहे हैं, मेरे को जो कह रहे हैं कि कारी रोशन ने वहाँ करोड़ों का चंदा करके और गमन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम ये अकबर नगर के लोग हैं, आप दिखाइए कैमरा सबको, ये पूरा अकबर नगर मौजूद है, अकबर नगर के कमेटी, हमारे मदरसे के कमेटी वाले मौजूद हैं, यहाँ हमारे स्टाफ मौजूद हैं, हमारे यहाँ बच्चे, कुछ लोगों को जो स्टाफ को मकान मिला है, यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, वो लोग सारे लोग मौजूद हैं। ये सारे लोगों के सामने मैं इस बार भी एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, हौसला ग्रुप, एकता ग्रुप, उसमें मैं ऐलान डालता था कि अगर आप सभी लोग एक साथ रहिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई जो है आपस में कोई मेदभाव ना हो, इस तरह से मैं ऐलान डाला करता था, और मेरी बात पे लोग मेरे मुक्तदी थे।
और मेरे पढ़ाए हुए शागिर्द थे वो अमल करते थे, लेकिन वो इल्ज़ाम जो लगाए हैं कि कारी रोशन जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए चंदा करके खाए हैं, वो सरासर जो भी लिखा है, ना अपना नाम लिखा है, ना पता लिखा है, ना फ़ोन लिखा है, वो सिर्फ जो आदमी काम करना चाहता है उसको भड़काने के लिए इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं इस वक्त अकबरनगर की आवाम के साथ मौजूद हूँ, आप लोग बताइए, हसन भाई से पूछिए क्या मैं एक रुपया चंदा कभी किया हूँ। हमारे साथ में मौजूद मैं मोहम्मद हसन, ये लोग जो उड़ा रहे हैं बातें, कारी साहब चंदा करने किसी के यहाँ नहीं गए, ये तो रास्ता हम लोगों को बताते थे, आप लोग ये वकील साथ जाते थे, वकील से मुलाकात करते थे, तो अपना पैसा लगाए क्योंकि तो वहाँ हाई कोर्ट में कागज बनता है उसको लगाए हैं, और जिसके दम आए माई के लाल में वो आके सामने बैठ के बात कर ले, नहीं मोबाइल पे है, नहीं माँ बहन की गाली बकेंगे, और दम हो तो आज ही बैठ के बात कर लो, उल्टी सीधी चीज डालोगे टांग पकड़ के फाड़ देंगे। आप बताइए हम अकबरनगर में क्या ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो भी लिखे थे सब गलत लिखे ने, जो भी कहने कार्य साहब के बारे में गलत की नहीं, एक वो पैसा कोई लेना देना नहीं, किसी के दर्जे गए नहीं पैसा लेने ये किसी के दर्जे नहीं। आप बताइए और मदद साहब के ऊपर इल्जाम, हाजी साहब के ऊपर गलत इल्जाम लग रहा है, उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया, किसी से नहीं लिया, बस वो ये कहते थे कि जैसे 500 रुपये चंदा लग रहा है फलाजी का, मतलब दे दो पैसे, ऐलान डालते थे। यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं जो हमारे काय साहब जितना मेहनत कर दिया है, अभी तक ही कोई अकबर नगर में भी नहीं हुआ कि इतनी मदद के दिन जो इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है सरन गलत है। ठीक है, अकबर नगर की जो आवाम है वो लगातार कारी साहब का सपोर्ट कर रही है, और जी कुछ महिलाएं हैं बात कर रही हैं, कारी साहब के ऊपर लगातार इल्ज़ाम ये लगता रहा कि वो पैसे जो है कारी रोशन से कोई मतलब नहीं, ना कारी रोशन को औरतन के मदद ही करत है, हमारे लोगन के साथ मदद ही करी ने करते आवत है, और अकबर नगर के लिए जान लड़ाए दिन कोर्ट कचहरी सब कहूँ, लेकिन हम लोगन से कोई रुपया पैसा ईश्वर गवाह है, हम लोगों से कोई एक पैसा नहीं लिया। अकबर नगर के जितने गरीब आवाम एफिडेविट की लग पैसा नहीं थी, तो कम से कम मैं 470 एफिडेविट अपने खास जेब से, किसी से चंदा नहीं लिया, अपने खास जेब से 470-80 एफिडेविट मैं फ्री बांटा हूँ, और उसके अलावा अकबर नगर की आवाम पूरे रमज़ान में राशन बांटा हूँ, पूछ लीजिए मैं जहाँ 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 से, और आज भी जितनी बेवा खवातीन हैं जो मेरे से कहती हैं, उनसे हर महीना मैं वजीफ़ा बेवा खवातीनों को दिलाता हूँ, पूरा अकबर नगर की, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जो भी हों, आज तक मेरे को 20-25 साल से हो गए, आज तक तावीज़ वगैरह मैं देता हूँ, आज तक एक रुपया किसी से नहीं लिया, अपने से ज़ाफ़रान वगैरह लगा के मैं दिया, लेकिन हमारे कुछ बाहर के लोग हैं वो बहकाना चाह रहे हैं पब्लिक को कि कारी रोशन साहब को बदनाम किया जाए, ताकि ये मस्जिद ना बना सकें, ताकि ये मदरसा ना बना सकें, ताकि ना स्कूल बना सकें, यहाँ पर कोई मीडिया वाला आया और आके कोई सवाल किया होगा किसी से, यहाँ बता रहे हैं कोई ताज भाई हैं, यहाँ कोई ताज नहीं है, वो उस मैसेज में फर्जी लिखा गया है, उसके बाद फिर उसमें एक पोस्ट और ये भी डाली गई है, मैं आप लिमरा न्यूज़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि कारी रोशन 2017 में अयोध्या गए थे, अयोध्या में जाने के बाद राम मंदिर की मीटिंग में शामिल हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या 2017 में मैं ही नहीं गया था, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से, मतलब जितने मदरसे हैं सब जगह लेटर गया था, और सब जगह साइंस टीचर चल मतलब वहाँ थे, और सब मदरसों को बंद करने का आर्डर आने वाला था, तो सब जगह लेटर अल्पसंख्यक मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी थे उस वक्त, हर मदरसे में लेटर गया था, और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने उलमा थे, हमारे बड़े बड़े उलमा, एक नहीं बल्कि हज़ारों उलमा वहाँ मौजूद थे, उस मीटिंग में मैं भी शामिल था, बस इतनी बात हुई कि मुझे स्टेज पर बुला लिया गया था, स्टेज पर बुला लिया गया और उससे फ़ोटो ले लिया गया, और फर्जी उड़ा दिया कि कारी रोशन मंदिर की मीटिंग में वहाँ गए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि मैं उसमें, और उसमें उस वक्त मैं जब मीडिया में आया तो मैं तौबा भी किया, माफ़ी भी मांगा, आला लैलान आज लेटर पैड में भी लिखा हुआ है और पेपर में भी शाये हुआ था, लेकिन लोग काम ना करें करके इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो इसलिए मैं आज अकबरनगर की आवाम के साथ में बसंत कुंड योजना में मौजूद हूँ, और ये तमाम जो पब्लिक आप जो देख रहे हैं ये सारे अकबरनगर के लोग हैं, और हमारे सैयद अहमद अशरफ साहब हमारे साथ साथ रहे हमेशा, और वो उनकी निगरानी में, इधर आइए सी साहब, उनकी निगरानी में हमारे साथ हमेशा, जो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चल रहा था, इनकी निगरानी में चल रहा था, और ये जानते थे कि किसको कहाँ पैसा दिया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को जो कहा गया कि करोड़ों का पैसा गमन किया, अरे आप तो मैं बताऊँ कि 25 साल से मैं उस इदारे का अभी मैनेजर रहने के बावजूद भी अपने सिग्नेचर से मैं पैसा नहीं निकालता, बल्कि मेरे यहाँ कमेटी में सिक्रेटरी जो लोग हैं, खजानची, वो लोग पैसा निकाल के मुझे देते हैं, चंदे का पैसा जो आता है खाता में वो तक मैं नहीं निकालता, आप इतना साफ़ो शफाफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ, लेकिन लोग
बदनाम करने के लिए हमारे सैयद अहमद अशरफ साहब हमेशा साथ दिए हैं, आज मौजूद हैं। इनसे पूछिए कि अकबरनगर में जो चंदा हुआ है वो कमेटी के सारे लोग उसके जिम्मेदारान थे और सबके पास हिसाब लिखा है और सब आप उनसे पूछें। उस मेरा काम सिर्फ ऐलान डालने का था। पूछिए सैयद साहब। मेरे साथ सैयद अहमद अशरफ साहब मौजूद हैं। इंकारी साहब जो अभी बता रहे हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो राजनाथ सिंह से मिले और उन्होंने जो अकबरनगर के लोगों से चंदा लिया है केस लड़ने के लिए, जो अकबरनगर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, उस पर इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये पैसे जो है अपने जेब में रख रहे हैं, इसका लोगों में मदद नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा है कि जब कोई आदमी किसी नेक काम के लिए आगे बढ़ता है जी, तो एक फलसफा है, एक सिस्टम है कि कुछ मुनाफिकीन होते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट के लोग होते हैं, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात पैदा करते हैं कि ताकि वो समाज में अच्छा काम ना कर सके। ये एक नेचर बना हुआ है। और हम तो कहते हैं कि कारी साहब को तो खुश होना चाहिए कि अगर किसी शख्स के 50 आदमी मानने वाले हैं और 85 आदमी उनके खिलाफ हैं तो वो आदमी जो मुनाफिक नहीं है मोमिन है। तो ये इनकी सबसे बड़ी दलील है कि अगर इनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो समझ लीजिए कि इन्होंने कोई अच्छा ही काम किया होगा। समझ रहे हैं? वजह क्या है कि दुश्मन जो शैतान होता ना, वो शैतान अच्छा काम करने नहीं देता है, वो वसवसा पैदा करता है, वलवला पैदा करता है कि लोग आगे नेक काम के लिए आगे बढ़ ना सकें। तो कारी साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया है वो नुमाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अकबर नगर में कोई काम नहीं किया। आज के भी हालात में बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले गरीब लोगों की औरतों की मदद के लिए जो हमेशा कराते आ रहे हैं उसके लिए ये आए और यहाँ पर लोगों की मदद की, वरना ये तो खुद ही अपने दो वक्त की रोटी के लिए लगे रहे, लेकिन उनके बावजूद भी ये दूसरों की फिक्र कर रहे हैं। तो वो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अपने जो फ्रैक्शन उनके अंदर का है वो मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो इस मसले पर हमसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना है आपका इस मसले पर, जो कारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है? जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो जनाब कारी रोशन कादरी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये सरासर गलत है। और हमारे जनाब रोशन कादरी साहब मदरसे के लिए, महल्ले के लिए हमेशा उनके लिए आप खड़ा रहते थे और हमेशा आपने कौम की खिदमत किया है। और जो ये पैसे के लिए जो झूठ लगाया गया है, सिर्फ जनाब कारी रोशन साहब ने सिर्फ ऐलान हमेशा आपने डाला है और अपने पैसे कभी हाथ में आपने लिया नहीं है जी, हमेशा ये कहते रहते थे। किन लोग हैं वो, आपको इस बारे में कुछ मालूमात है जो इस तरीके की बातें समाज में सोसाइटी में फैला रहे हैं? देखिए हमेशा आपने देखा होगा जो भी जो है कौम की खिदमत करता है या दीन की खिदमत करता है या कौम की फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़ता है तो उनको हमेशा उसकी टांग खींचने वाले आपको हमेशा मिलेंगे और हर दौर में मिलेंगे आपको। और अब हमारी स्टाफ है मौलाना सोहेल कादरी साहब। मौलाना सोहेल कादरी साहब भी मौजूद हैं। मौलाना सोहेल कादरी साहब, आपका इस मसले पर क्या कुछ कहना है? नहीं, जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उनको चाहिए था कि वो प्रूफ के साथ यहाँ सामने आते। और मैं तो कारी रोशन कादरी साहब को आज से नहीं 15 साल से जानता हूँ और इन्होंने जो ये मामलात हुए हैं इसमें यकीनन गरीब लोगों की मदद की है। और जो इल्ज़ाम लगा है ये सरासर बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है। कारी साहब कहीं भी गए, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपने पैसे से गए हैं और चंदे का पैसा कभी इन्होंने अपने पास नहीं रखा है, वो दूसरे लोगों के ही पास रखा है। और हमेशा ऐलान डालते रहे हैं कि हाँ हम लोगों को जो भी काम करना है शांति से करना है, कोई गलत सलत नहीं ऐसा करना है जहाँ से हुकूमत हम लोगों पर एक्शन ले। अब मैं कारी साहब को जहाँ तक जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ, सन 2009 से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आज तक तो मैंने इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। आप अगर लॉकडाउन उठा के देख लीजिए, उस वक्त कारी साहब खुद वहाँ पर राशन मंगा के गरीबों के बांटते थे। अब बताइए अगर कोई आदमी तकसीम करता या डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज़ करता है तो वो कैसे खा लेगा उस चीज़। और अगर किसी को दलील देनी है कि कारी साहब ने गबन किया है तो वो सामने आके सबूत लाए और यहाँ पर सामने बैठ के उसको करे तो जाना जाए कि कारी साहब ने क्या किया है। आज तक तो उन्होंने कोई भी ये जो चल रहा था केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में, कभी उन्होंने उस चीज़ का चंदा अपने पास नहीं लिया। और कुछ कमेटियां बनी थी फर्स्ट सेकंड में और एक मार्केट में, उसमें कुछ लोग अलग थे, वो उसका पैसा लेते थे यूज करते थे। कारी साहब ने कभी नहीं यूज किया उसको अपने ही पास से, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और जगह गए, खुद का पैसा लगाते थे। मेरे साथ मोहम्मद सईद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। मोहम्मद सईद सिद्दीकी साहब, कारी साहब, कारी रोशन साहब पे एक इल्ज़ाम लग रहा है जो भी आपने देखा है, क्या कुछ आपका इस मसले पे कहना है? देखिए कारी रोशन साहब को मैं आज से नहीं 30 साल 35 साल हो गए जब से ये यहाँ लखनऊ आए हैं, इनके लब्बैक इनके कहने पर
मैं अगर ये बुलाते हैं रात में तो मैं रात में हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि ये सच्चे इंसान हैं। इनके पास कोई अपना घर नहीं था अकबर नगर में, ये खुद किराए पर रहते थे। अगर कोई इंजाम लगा रहा है उसका सबूत सामने लेकर के आए, और आज भी किराए पर रह रहे हैं। तो इल्ज़ाम लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, क्योंकि काम बिगाड़ना है उनको। क्योंकि आज हमने यहाँ पर कारी रोशन साहब ने कहा कि सईद भाई सांसद जी को लेकर आइए, सांसद जी को मैं आर के चौधरी साहब के पास गया कारी रोशन साहब को लेकर के, और लेटर पैड पर जी लेटर पैड पर जो है लिख करके उनको दिया। आज कार्यक्रम उनका यहाँ लगा था, और जो है इन माँ बहनों की आवाज़ सुन करके कार्य माननीय आर के चौधरी साहब गए हैं, और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं अपने लेटर पैड पर लिख करके अधिकारियों से कॉलोनी जिनको नहीं मिली है उनको कॉलोनी दिलाएंगे, और जहाँ पर जो है ना कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, ईदगाह के लिए और मार्केट के लिए खास करके उन्होंने बोला है। आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग आवाज़ उठाते रहिए, हम लोगों के साथ मिल करके आवाज़ उठाते रहिए। आर के चौधरी साहब से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो हम लोगों के काम करेंगे। अकबर नगर के लोगों के पास आप आए हुए हैं बसंत कुंज योजना में, क्या कुछ पैगाम आप यहाँ के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए अकबर नगर के से इससे पहले भी मैं कई मरतबा यहाँ पर आ चुका हूँ, और अकबर नगर के से शुरू से ही ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की तारीफ टीम इसमें लगी थी, और इनके हर मसाइल को देख भी रही थी, और यहाँ से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी लड़ाई में जो जो हालात जैसे जैसे बने वो हम लोग के सामने हुए, उसका कैसे हुए और क्या क्या किया गया उसे हम लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने और प्रशासन ने जो अपनी कार्रवाई करनी थी उसने किया, और इतने बरसों से वहाँ रहने वाले लोगों को बेघर किया, और कहने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि हमने सबको विस्थापित कर दिया, लेकिन विस्थापित के नाम पर उन्होंने सारे लोगों से पैसे लिया और हर आदमी को जो है मकान दिया गया और उनको एक इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग कारोबार से ताल्लुक़ रखते थे वो अपने आज भी कारोबार से वंचित हैं। तो यहाँ पर सरकार ने कोई ऐसा जो है व्यावसायिक केंद्र नहीं बनाए कि जहाँ पर वो अपना कारोबार कर सकें। यहाँ से जाने के लिए वो लोग यहाँ फिर निषादगंज, अकबर नगर, गोमती नगर और चुनहट की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए हमने मंसूर साहब जो आपके परिवहन निदेशक हैं उनको मैंने लिखा, और लिख करके उनसे कहा कि आप यहाँ पे बस की व्यवस्था कीजिए। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने उनसे लिखा, इंद्रजीत सिंह साहब को भी हमने लिखा जो यहाँ जो इसमें आपके नगर पालिका में है, उनको भी हमने लिख के कहा कि यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था कीजिए। जब इतने घर के लोग रह रहे हैं उसमें कूड़ा निकल रहा है, करकट निकल रहा है, दुनिया भर की गंदगी निकल रही है, उसको फेंकने की व्यवस्था की जाए, लेकिन हमें नहीं लगा कि अभी तक कोई काम उस तरह का हुआ। हमने पुलिस आयुक्त शंकर साहब को भी लिख के भेजा कि आप जो है यहाँ पे एक चौकी का इंतज़ाम कीजिए, इतना बड़ा संख्या में लोग यहाँ रह रहे हैं, पारिवारिक मामलात होते हैं, छोटी मोटी घटनाएं आपस में हो सकती हैं, कोई चोरी चमारी किसी तरह की हो कि लोग भाग के क्या दुबग्गा जाएंगे, कोई करीब की चीज़ हो जहाँ पे जाके वो चौकी पे इंफॉर्मेशन दे दें। तो इस तरह की कई बातें हमने प्रशासन को और जो जो आला अधिकारी हैं उनको लिख के भेजा है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो ज़रूरी है कि जो आदमी यहाँ रहता है उनको मूलभूत सुविधाएँ जो दी जा रही हैं उनमें जो सबसे बड़ा सुविधा होनी चाहिए वो उनकी रोज़गार होनी चाहिए, और अगर रोज़गार के लिए उनकी व्यवस्था नहीं की जा रही है तो जहां उनका रोज़गार है वहां तक जाने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सिलसिले में हमारा लेटर उनको जा चुका ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की तरफ से, लेकिन पर अभी तक कोई नगर बस यहाँ पर नहीं चली है, ना नगर निगम की कोई गाड़ी यहाँ पर आ रही है कूड़ा उठाने के लिए, और ना ही जो है, और हमने इंद्रमणि त्रिपाठी जी को भी लिखा था कि एक परिवार में अगर चार फैमिली रह रही है, एक घर के अंदर चार फैमिली रख रही है, तो आप एक परिवार के एक सदस्य को देने के बाद चार को वंचित क्यों कर रहे हैं? उन चार को भी आप मकान मुहैया कराइए, और जिन लोगों को बहुत से ऐसे लोगों, कम से कम मुझसे जो है 40-50 लोगों ने LDA में मुलाकात किया और उनको अभी तक मकान नहीं मिला जबकि वो वहाँ के निवासी हैं, और पता नहीं किसको किसको उन्होंने मकान दिया और कैसे दिया मैं नहीं समझ सकता हूँ। आज भी यहाँ पे सांसद महोदय जी आए थे, उनसे भी लोगों ने अपनी शिकायत की, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ की जनता की समस्याओं को आके खुद सुने और समझें, और उनकी जो परेशानी है ख़ास तौर से उनकी रिहाइश परेशानी, यहाँ पे कीड़े मकोड़े जानवर सांप इस तरह की चीज़ें निकल रही है, किसी बच्चे को डस दे, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो इसका जिम्मेदार क्या हो, कौन होगा? तो इन सब चीज़ों को वो ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद यहाँ की समस्याओं को निदान करें तो आगे की जो कार्रवाई वो कर रहे हैं उसमें उनको आसानी भी होगी, क्योंकि आगे वो उनका 27 किलोमीटर की रेंज है, क्योंकि अकबर नगर के तोड़ देने के बाद उनका काम ख़त्म नहीं होगा,
क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दिखा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 किलोमीटर का वादा किया है इन्होंने, 27 किलोमीटर इनको पूरा करना है और 27 किलोमीटर अगर पूरा करते हैं तो ये समस्या सभी के लिए आएगी, उसका निदान अभी से होना चाहिए। इन सारे इल्ज़ाम से हट के आप अकबर नगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अकबर नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप अकबर नगर की बात रख रहे हैं, अकबर नगर के लोगों की बात रख रहे हैं, क्या कुछ पैगाम आप सरकार को देना चाहेंगे और अकबर नगर के लोगों को देना चाहेंगे जो हैं? देखिए, अकबर नगर को मैं हमेशा पैगाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबा अरसा मैं जामा मोहम्मदिया मस्जिद का इमाम रहा, दूसरी सुन्नी मदीना मस्जिद को तामीर करा के मैं उसके भी मनसब को पूरा किया, वहीं बगल में जामिया फातिमा ज़हरा बनात को कायम किया जहां 256 बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम के साथ में जामा मोहम्मदिया मस्जिद, जिसमें एक वक्त में जब जुमे की नमाज़ होती थी तो कई हज़ार लोग नमाज अदा करते थे, तो मेरा हमेशा जुमे का खिताब में भी यही रहता था कि लोगों को समझाना, आपस में इत्तेहाद करना, तमाम मसाइलों को मैं हल करता था। हद के थाना महानगर में मेरा एक नाम मतलब लिखा हुआ है कि अगर मेरे मोहल्ले में 16,000 आबादी में अगर कुछ हो जाता था तो मैं अपने लेटर पैड में लिख के देता था कि हमारा मोहल्ले में ये लोग सही हैं, इनका जो काम है, जो मामलात हैं वो सही हैं, तो वो लोग सुन लेते थे। यहाँ तक इंस्पेक्टर CO वगैरह भी जब भी कोई आते थे तो वो मेरे से मिलते थे, इतना हमने छवि अच्छी रखी थी। और आज तक के हिंदू मुस्लिम किसी में कोई लड़ाई, आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन लोग आकर यहाँ कुछ भी बात उठा देते हैं कि कारी रोशन साहब ने अपने यहाँ स्टाफ को मकान दिलवा दिए और मोहल्ले वालों लोग रह गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब शुरू से लड़ाई हुई थी और जैसे ही आर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं पर्सनल सारे मोहल्ले वालों को बताया था कि आप जितने घर में हैं, हम लोगों ने लड़ाई से जब हर तरह से लड़े, जब मामला तो ये हुआ कि मकान वालों को मकान दिया जाएगा एक ही, तो हम लोगों ने खूब कोशिश करके लड़ाई इस तरह लड़ी कि हमारे मकान में एक नहीं बल्कि 10 लोग, 10 परिवार रहते हैं, 5 परिवार रहते हैं। हम लोगों ने गुहार लगाई और कहा कि हमारे 5 परिवार वालों को एक मकान नहीं बल्कि 5 मकान दीजिए, 6 मकान दीजिए। उसके बाद मैं ऐलान डाला, मेरा आज भी ग्रुप में कुछ नहीं तो सैकड़ों ऐलान पड़ा है, सैकड़ों ऐलान पड़ा है, पूरे मोहल्ले वाले लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, आप दिखाइए सारे लोगों को, ये बताएंगे आपको कि सारे कार्य मैं हर मौके से ऐलान डालता था कि आप घर में आपके ऐलान, मेरा ऐलान हर मौके से रहता था कि आप घर से 5 परिवार हैं तो आप 5 लोग भरिए, 6 परिवार हैं तो 6 लोग भरिए, 10 लोग हैं तो 10 लोग भरिए। और जिन जिन लोगों ने मेरी बात मानी सबको आज मकान मिला हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो बात नहीं माने और कुछ लोग बाहर थे, दूसरे मुल्क में रहे या इधर उधर रहे, वो लोग आए हुए हैं जिनको नहीं मिल रहा है, लेकिन आज भी वो पक्का सबूत दे रहे हैं, तो LDBC से लेकर तमाम अधिकारी लोग उनको मकान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ना दें बिल्कुल। और मैं भी उम्मीद दिलाता हूँ, मुझसे भी जितनी कोशिश होगी, मैं भी उनको पहचान रहा हूँ जिनको मकान नहीं मिला है, उनके पास नोटिस है और मैंने दिया भी है, और एक नहीं कम से कम सैकड़ों 151 लोग करीब गरीब लोगों को मैंने मकान दिलाया है, जो मेरे पास सबूत है, जो यहाँ के थे, जिनका आधार यहाँ का था, जो रहने वाले थे, जिनको नोटिस मिली थी उनको नहीं मिला था, लेकिन मैं अपनी कोशिश के ज़रिए और 300-400 एफिडेविट तक फ्री में बांटा हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे मोहल्ले को नहीं जान पाए हैं या आके नहीं मिले हैं, वो फर्जी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कारी रोशन ये कर दिए, कारी रोशन वो कर दिए। तो मैं तो मेरे को तमाम उलमा और मशाइख लोग फ़ोन करके समझाते हैं कि कारी साहब बड़े बड़े लोगों को इल्ज़ाम लगे हैं, आप काम कर रहे हैं इल्ज़ाम आपको लगेगा, बल्कि इस मौके से मेरे को सरकार मौला अली का कॉल याद आता है कि सरकार मौला अली का कॉल है कि सरकार मौला अली फरमाते हैं कि जो है सारे लोग अगर किसी की तारीफ़ करें और बुराई कोई ना करे तो समझ जाए कि सबसे बड़ा मकार वही है जो सारी कौम उसकी तारीफ करे, बुराई करने वाला कोई ना हो। तो मैं तो समझता हूँ ये मेरी मकबूलियत की अलामत है कि लोग मुझसे जल रहे हैं या हसद कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं तो तारीफ़ करने वाले भी हैं। मैं तो समझता हूँ मेरा रब व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, वही इज्जत देता है वही जिल्लत देता है। मैं काम ऐसा किया हूँ और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि कोई दुश्मन अनासिर जो लगे हुए हैं और फेसबुक में और उसमें लिख कर डाल रहे हैं उल्टी सीधी हरकतें, वो अपना नाम भी डालें, अपना पता भी डालें, तब हम समझेंगे कि वो सच्चा है, वरना वो झूठा है और उसकी बात सच्ची नहीं मानी जाएगी। मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। कारी साहब उस टाइम के आए हुए हैं यहाँ अकबर नगर, जो कि मस्जिद एक मंजिल की बनी हुई थी, प्लास्टर नहीं था, टूटा हुआ, आज माशाल्लाह 4 मंजिल की मस्जिद खड़ी किया इन्होंने, मदरसे कोई नहीं थे, मदरसे इन्होंने हाफिज जी कारी साहब ने कई बनाया, उस पार बनाया, इस पार मदरसा था और आलिशान मस्जिद, मस्जिद कमर भर गड्ढे के नीचे थी, कमर भर नीचे थी रोड से, कारी साहब ने उसको पटवा के बनवा के सड़क के लेबल में लाए, सारी खूबियाँ लाई मस्जिद के अंदर, हर चीज़ का इंतज़ाम उसके अंदर, एक नहीं दो दो मैयत हो जाती इसके लिए, पलंग तखत हर चीज़ का इंतज़ाम।
कारी रोशन साहब के ऊपर लगे इल्ज़ामों के बारे में हम अकबर नगर की उन महिलाओं से जानेंगे जो अपने चंदे को अकबर नगर को डेवलप करने के लिए, अकबर नगर को बचाने के लिए चंदा देती थी कारी साहब को। उनसे हम जानेंगे जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कारी साहब के ऊपर कि वो पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं जो आप चंदा दे रहे हैं, नहीं सच्चाई इन बातों में? नहीं, खर्च नहीं किया, नाना किसी का पैसे नहीं खाया है, नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं है, पैसा नहीं, ये बेचारे हम लोग के लिए खड़े कि अकबर नगर बदनामी कर रहा है उनके, अपने अच्छे आदमी की बदनामी करा रहे हैं, उनको शर्म लगना चाहिए जो उनकी बदनामी करा रहा है। उनका पैसा दे गए हैं सबको, बेवन का दिला रहे, अभी रमजान में दिलाया, नेट में ऐसे भी दिलाया, कितनी वो हेल्प करते, कितनी मदद करते हैं वो, बहुत सबके सबको बेवन की मदद किया है, वो ऐसे आदमी नहीं है जो उनको इल्जाम कोई लगाएगा, हम लोग तो नहीं लगाएंगे, और कोई लगाएगा करते हैं बेवकूफी, कोई आज तक मदद न किया होगा, बहुत मदद करते हैं। अभी उस दिन जिस दिन टूटा उस दिन हमको टेम्पो पे जा रहे थे तो कहने घर चली आना, हम निसारगंज में घर नहीं जानते थे, इतना मदद करते उतना कोई एलडिया वाला का कि हिस्से का कि घर से बेघर कर दिए, फिर भी नहीं परिवार रह रहे हैं, हमारे भैया भी खत्म हो गया, एक लड़का का जो तीन तीन लड़कियां लिए परिवार में है, उनके दौड़ दौड़ जा रहे, पैसा भी जमा कर दिया गया, 1000 रुपया भी जमा कर दिया, फिर भी नहीं भरा, और वहाँ रहते ना रो रो के हाथ दिया, फिर भी नहीं भरा गया है, नहीं भरा गया है, आप नहीं यकीन है तो मेरे घर के अंदर आप जी, जिसको सच्चाई अगर हासिल करनी हो तो अकबर नगर की आवाम जहाँ रहती है, 1-2 हज़ार तो नहीं है, कम से कम 20,000 लोग यहाँ आके बसे हैं, उनसे पूछे, उसमें फर्जी नाम लिखा है ताज करके, यहाँ कोई ताज नहीं है, ताज यहाँ पर कोई है अकबर, कोई ताज नहीं है, जबरदस्ती ताज भाई ने ये बताया, ताज भाई ने ये बताया, ताज भाई ने ये बताया, फर्जी उन्होंने लिखा है, और उसमें ये भी लिखा है कि कारी रोशन निषादगंज में जो मस्जिद मदरसा में अभी हैं, पहले वो उसमें जो है रमज़ान के पोस्टर में लिखे थे कि 30,000 में किराया लिए हैं, वहाँ स्थापित हो जाएंगे, मसला ये हुआ कि हम जो केस लड़े हैं कम से कम 1.5 साल से केस लड़े हैं, 1.5 साल में आए दिन स्टे हो जाता था, आए दिन स्टे हो जाता था, जिससे हम हमारे अकबर भाई हैं घुसियाने के, उनसे कोई पूछ सकता है, उनसे मेरी बात हुई थी तो बोले 30,000 में किराया मिल जाएगा, आप आराम से यहाँ शिफ्ट हो जाइएगा, लेकिन स्टे मिल जाने की बुनियाद पर हम उसी जगह मदरसा चलाते रहे, क्योंकि अगर किराया ले लेते तो हमको पैसा देना पड़ता, फिर ये हुआ कि कारी साहब 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो गया है, अगर आप कहें तो हम किराया दे देते, तो मैं कहा ठीक है आप किसी को दे दीजिए, अभी हमारे यहाँ स्टे मिला है तो हम यहीं चलाते रहेंगे, फिर ये हुआ कि वो अपना कहीं किसी को किराया दे दिए, फिर मैं कोशिश करता रहा, फिर निषादगंज के लोग पूरी टीम मेरे पास आई और कहा हमारे सलीम भाई हैं यहाँ कहीं सदर साहब, ये हमारे सलीम भाई हैं, ये नमाजी शाह मस्जिद के मुतवल्ली हैं, और इन्होंने कहा कि कारी साहब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं किराया लेने की ज़रूरत है, आप आइए मस्जिद नमाजी शाह रहमतुल्लाह अली की बारगाह में, यहाँ मस्जिद है और मेरे पास 3 कमरे बने हुए हैं, 2 कमरे इन्होंने फ़ौरन दिया और 1 मकान इनका उनके नीचे भी कमरे दिया, बगल में बावर्ची खाने का इंतज़ाम किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मदरसा बाज़ाब्ता तौर से चल रहा है, पूरे स्टाफ आप देख रहे हैं, बच्चे सारे लोग आए हुए हैं, हमारे कमेटी के असलम वारसी साहब हैं इधर जो आप देख रहे हैं, जो हमारी कमेटी में हैं, और आज तक जो है मतलब हम जिस मदरसे में रहा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपने सिग्नेचर से पैसा नहीं बल्कि कमेटी बाजार तक सिग्नेचर करके हमको चेक देती थी तब हम मदरसिन को तनख्वाह देते हैं, हम इतना साफ और शफाफ अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से अकबर नगर में ज़िंदगी गुजारे हैं, हम तो इनाम रखना चाहते हैं उनसे जो एक इल्ज़ाम लगाया है अकबर नगर में आके, अकबर नगर वालों से खाली बात कर ले, वो जो इनाम कहेगा मुँह माना इनाम देने के लिए तैयार हूँ, वरना उसमें जो तहरीर में वो लिखा है नाम, अपना नाम लिख दे या अपना मोबाइल नंबर दे दे तो हम उसको खैरियत ले लेंगे, वरना बेफालतू किसी पर इल्ज़ाम लगाने में मानहानि का मुकदमा दायर होता है। हाँ चीज़ें मैं आपसे और ये कंफर्म करना चाहता हूँ, ये जो मैसेज फैल रहा है व्हाट्सएप मैसेज जो फैल रहा है कि आपको बदनाम करने के लिए, ये क्या किसी न्यूज़पेपर ने किसी टीवी चैनल ने इस चीज़ को कवर किया या फिर ये सिर्फ व्हाट्सएप पे ही फैल रहा और इतने दूर तक फैल चुका है कि लोग इस पर यकीन कर रहे हैं? नहीं नहीं कोई व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप में ही चल रहा है, ये आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पुष्टि नहीं ना कोई, क्योंकि सबको मालूम है, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वहाँ आए पीछे, या टीवी न्यूज़ वाले ना चला सकते हैं क्योंकि फर्जी है, वो जो भी चलाएगा वो खुद फंसेगा, इसलिए कि असलम वारसी साहब हैं मोहम्मदिया मस्जिद की कमेटी मेंबर में, उस वक्त बुनियाद जब से हम आए हुए, पूछिए इनसे हमारे बारे में, लोगों ने रखा है जी मस्जिद का बुनियाद हमने लोगों ने रखा, उसमें ये पढ़े हुए थे हमारे मदरसे में जी। पढ़कर बड़े हुए, बड़े होने के बाद में तब कार्यक्रम किया तो मस्जिद को चमका दिया, अल्लाह के करम से जो काम इनने करके दिखाया है अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए, और इल्ज़ाम लगाना
तो मूर्ख हैं, चोर हैं, डकैत हैं, आए हमारे सामने तमाशे से बात करेंगे उनको, अगर सामने हमारे कह दे कोई, समझा? हमने देखा है, हमारे साथ काम किया है। ये मस्जिद की कमेटी के मेंबर हैं जो ये बात को कह रहे हैं, जिनके पास पूरे हिसाब किताब होते हैं कि कहाँ से पैसा है और कहाँ पर पैसा गया। पैसा तो खैर आप लोगों के देन से है कि सारे लोगों ने चंदा दिया, कुछ अपनी मेहनत से, कुछ अल्लाह ताला जिसको दिया था ज़्यादा दिया, तब काम बना। मगर रोशन कारी साहब अपना बहुत योगदान किया है, अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, आज तक के एक प्लाट नहीं बनवा पाए। यहाँ तो चोर लोग आते हैं, हमने 10-10 मंजिल प्लाट बनवा लिया। माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई मतलब कोई ऐसी जांच कंपनी जांच लगा दे, हकीकत में मैं मेरे शागिर्द लोगों का मकान लाखों का है, मेरे साथियों का मकान कई लाखों का है, जो 25-30 लाख से, मैं आज तक न कहीं अभी तक ज़मीन ले पाया, ना अपने लिए मकान लिया हूँ। आज भी मैं 15 साल पहले किराए से रहता था, आज भी किराए से रह रहा हूँ। बस मैं आवाम और मेरे तमाम मशाइख इकराम और उलमाए इकराम जो फ़ोन करके मुझे हौसला दिए हैं, उस हौसला के तहत मैं इंशाल्लाह फिर से मदरसा मस्जिद कायम करना चाहता हूँ। और दिल्ली में जाने के बावजूद मैं अपनी बहन के यहाँ रहता था और बहन के यहाँ खा पी के जाके पेशी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ता था, और कितने लोगों को अपने बहन के यहाँ ले जाके मैं अपने दावत खाना खिलाया है। लेकिन लोग इल्ज़ाम लगाने वाले कुछ के कुछ बताते हैं, एक रुपया मेरे लिए हराम है उस पैसे का। आप बात करिए इधर जी। कमेटी के और भी कुछ मेंबर हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो कारी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, कितनी आपको इसमें सच्चाई दिख रही है, और जो कमेटी का पैसा आता है वो कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, ये सारी डिटेल आप लोगों के पास होती है? कोई सच्चाई नहीं है, और जो भी ये ताज भाई हैं ये आके यहाँ पे हम लोगों से बात कर सकते हैं, यहाँ पे आएँ, हम लोगों से हिसाब ले लें, अपनी पूरी टीम लेके आ जाएँ, और किसी के ऊपर भी इस तरीके के इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर हम लोगों से बात करना हो के सामने बात करें, और किसी के पीठ पीछे इस तरीके की बुराई करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो जो भी पैसा आया है, एक एक रुपया खर्चा हुआ है, कारी साहब का इसमें किसी तरीके का कोई हाथ नहीं है, और जो भी बात करना हो आके सामने बात करें, इस तरीके का बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या मैसेज देंगे जिसने भी बात कराई, जिसने भी ये कहा है कि कारी साहब ने ऐसा पैसा लिया है या करा है? बिल्कुल गलत कहा है। कारी साहब तो एक हमारे एक तो मोहल्ले के इमाम हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया है। लोगों को अब यहाँ पर आवाज़ चाहिए था, उसके लिए सर्टिफिकेट एफिडेविट की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो कारी साहब ने ही अपनी कमेटी की तरफ से फ्री करवाया था कि जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं एफिडेविट के, तो वो कारी साहब की पूरी टीम उनको पैसे दिए एफिडेविट के करने के लिए। तो ये जो उन्होंने लगाया है इल्ज़ाम कि उन्होंने पैसा गमन कर लिया, ये कर लिया है, ये ज़रा सर गलत है, वो बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कारी साहब बहुत हमारे मोहल्ले के बहुत अच्छे आदमी हैं, और ऐसा वो है नहीं जैसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। आप सुन रहे थे अकबर नगर के वासियों को जो अकबर नगर में रहते थे, और यहाँ पर बसंत कुंज योजना के तहत जो उन्हें घर अलॉट किया गया वो यहाँ पर आके यहाँ पर रह रहे, वो कारी साहब के बारे में जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, उन सब के बारे में खुल के लोगों ने बेबाकी से बात किया। आप देख रहे थे लिमरा न्यूज़, कैमरामैन तहा के साथ में सैयद मोहम्मद हसन।